हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट वेंडी ग्रैफ जनरेटर। वेंडी ग्राफ जनरेटर इज़ अ मशीन दैट कैन बिल्ड अप हाई वोल्टेजेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए फ्यू मिलियन वोल्ट्स। बहुत पोटेंशियल, बहुत हाई वोल्टेज को जनरेट करने के लिए हम जनरेटर ये वाला यूज़ करते हैं। जब वोल्टेज हाई हो जाएगा तो उससे लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जो हम चार्ज पार्टिकल्स टू यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आयन कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उसको स्पीड बढ़ाने के लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस हम यूज़ करते हैं। हाई एनर्जीज में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं जहाँ पे इन पार्टिकल्स को हाई स्पीड देके हम बम्बार्ड करते हैं, वहाँ पे ये वाला जनरेटर हम यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, आप बहुत ज़्यादा इस टेंशन नहीं लेना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो रीड अगेन, then you can be very clear about this Wendy Graph generator. सबसे पहले इसका principle हम समझेंगे, that is based on a spherical shell. एक spherical shell, अगर जैसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं spherical shell में कैसे charge distribution होता है, इस spherical shell में हमने charge distribute किया है positive charge, that is total charge we are giving. large spherical conduction shell of radius r, when we place a charge q. चार्ज क्यू हम उसके प्लेस करेंगे तो सरफेस पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसका स्फेरिकल शेल का रेडियस रहेगा कैपिटल आर। देन किसी भी तरह से आपको एक रॉड यहाँ से इंसर्ट करना है। अब इनिशियल कंडीशंस आपको क्लियर हैं कि यहाँ पे फील्ड हो जाता है और इनसाइड फील्ड वैनिश हो जाता है और पोटेंशियल इनसाइड कॉन्स्टेंट रहता है और बाहर एक मैक्सिमम फील्ड रहता है। इस कंसेप्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। देन अगर इनसाइड में हम लोग पोटेंशियल कांस्टेंट है तो उससे हम लार्ज पोटेंशियल कैसे जनरेट कर सकते हैं वो प्रोसेस हमको समझनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन इंसर्ट बाय एनी मींस दिस इंसुलेटिंग हैंडल वी आर टेकन। इस मींस से हम एक नए स्पीयर यहाँ पे जनरेट करेंगे, कंडक्टिंग स्पीयर जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्मॉल क्यू होगा, कंडक्टिंग स्पीयर जिसका रेडियस स्मॉल आर होगा तो उसके सरफेस पे ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, दैट इज अगेन पॉजिटिव चार्ज। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे भी पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, वो पोटेंशियल क्या होगा? फर्स्टली यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज हमने दिया था उसकी वजह से पोटेंशियल होगा, दैट इज 1/4πε0 क्यू बाय आर, और ये इनसाइड द शेल कॉन्स्टेंट रहेगा और बाहर सरफेस पे भी ये कॉन्स्टेंट रहेगा। देन नेक्स्ट सरफेस और स्मॉल स्पीयर, हमने स्मॉल स्पीयर अभी इंक्लूड किया है तो पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल स्पीयर रेडियस आर कैरिंग चार्ज क्यू 1/4πε0 क्यू बाय आर एट ए सरफेस ऑफ स्मॉल स्पीयर। उसी चार्ज की वजह से लार्ज शेल पे भी पोटेंशियल डेवलप होगा, वो होगा 1/4πε0 क्यू बाय आर। तो टोटल पोटेंशियल ड्यू टू बोथ द चार्जेस एट डिस्टेंस आर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 क्यू बाय आर पहले की वजह से, स्मॉल क्यू की वजह से दूसरा, दिस इज रेडियस कैपिटल आर। स्मॉल रेडियस पे कितना पोटेंशियल होगा? 1/4πε0 क्यू बाय आर प्लस स्मॉल क्यू बाय आर, ये वाला इनिशियल वाला जो कांस्टेंट पोटेंशियल रहता है वो, और ये जो नया स्मॉल रेडियस पे प्रोड्यूस हुआ वो। नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल शेल, स्मॉलर रेडियस एंड बिगर रेडियस, इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्यू बाय आर कॉन्स्टेंट वाला माइनस ओके जीरो हो जाएगा एंड दिस एक्सप्रेशन विल कम दिस नाउ दिस दैट क्यू बाय 4πε0 1/r - 1/r। अब यहाँ पे स्मॉल आर छोटा है इसलिए इसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी पॉजिटिव एंड दैट विल गिव यू ए हायर पोटेंशियल। इट मीन्स देर इज वी आर माइनस वी आर इज कमिंग पॉजिटिव, द पोटेंशियल ड्यू टू क्यू इज कॉन्स्टेंट, वो तो हम बताया कैंसिल हो जाएगा। दिस मीन्स वी नाउ कनेक्ट स्मॉलर एंड लार्जर स्पीयर बाय वायर। तो अगर हम स्मॉलर स्पीयर और लार्जर स्पीयर को वायर से कनेक्ट करेंगे, कंडक्टिंग वायर से, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है ना। रिजल्टेंट पॉजिटिव आ रहा है मीन्स दिस पोटेंशियल इज मोर देन दिस पोटेंशियल, सो पोटेंशियल विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ से ये पोटेंशियल इस तरफ फ्लो होगा, this flow, because of this flow here more potential will develop and we are generating a higher potential at the outer surface. This is the principle.
अब वेंडी ग्राफ जनरेटर भी आपका इसी प्रिंसिपल पे डिपेंड है. बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल हियर वी आर टेकिंग ए शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल. उसके अंदर ये दो पुलीज उन्होंने कनेक्ट की हैं, दैट दे आर मोटर ड्रेवन पुली. मोटर से ये चलती रहती है पुली, तो यहाँ पे ये बेल्ट भी मूव करते रहते हैं. दिस इज ए इंसुलेटिंग ग्राउंड बेस्ड मेटल बेस, यहाँ पे इसको ग्राउंड किया जाता है. देन मेटल ब्लेड डिलीवरिंग यहाँ से इस कंडक्टिंग ब्रश से, जिस तरह से वहाँ पे किया था रॉड से, उस तरह से यहाँ पे कंडक्टिंग ब्रश से चार्ज इंट्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव चार्ज दैट इंट्रोड्यूस्ड एंड बाय पुली दिस चार्ज विल फ्लो अपस्टेयर्स. फिर से यहाँ पे मेटल ब्रश कनेक्ट किया हुआ है, तो यही पॉजिटिव चार्ज इस मेटल ब्रश के थ्रू इस शेल में चला जाता है. तो यहाँ से ये पोटेंशियल, मोर पोटेंशियल इज गिविंग टू द आउटर सर्फेस. एंड वेन यू कनेक्ट दिस आउटर सर्फेस टू एनी मीडियम, तो यहाँ से आपको ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप किया हुआ जनरेट होगा. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वेंडी ग्राफ जनरेटर. देन यू गो थ्रू दिस थ्योरी फुल, डॉट मैंने जो समझाया वही इसमें क्लियरली लिया हुआ है. एनी डाउट इफ यू गेट देन यू कैन आस्क मी. थैंक यू.